Hey guys, so today I've come to a very special place. This is called Maharaja Bho, and this is located at Lower Parel, just next to Todi Mill. महाराजा बोग की वैसे और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि गोरेगांव में है, जुहू में है, और आज मैं लोअर परेल की ब्रांच में आई हूँ गौ सेवा. तो मुझे ये वन कोई ओके ओके एंड तुलसी. सो ये तुलसी पत्ता अच्छा खाने के लिए. सो यहाँ पे सबसे पहले आपके गौ सेवा होती है, उसके बाद हाथ धुलाए जाते हैं गर्म पानी से. सो दिस इज़ केसर चंदन शरबत, वो सबसे पहली चीज़ आपको दी जाती है. सो महाराजा भोग सर्व वेजिटेरियन प्रीमियम थाली. यहाँ पे आपको मारवाड़ी और गुजराती टाइप का खाना खाने के लिए मिलता है. इनके पास बहुत सारी वैरायटी है खाने की. ये एक थाली के अंदर 30 प्रकार की डिशेस आपको परोसते हैं, और जो कि इक्वली बहुत ही स्वादिष्ट है. और इनका हर दिन मेन्यू चेंज होता है. सो महीने के 300 दिन आपको सेम खाना नहीं मिलता है. हर दिन जब मेन्यू चेंज हो रहा है तो इनके पास रेसिपीज़ भी जाहिर सी बात है बहुत सारी होंगी. सो इनके पास 900 से भी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं. सो शायद आज जो मुझे खाने के लिए मिलेगा आपको वो नहीं मिले, क्योंकि हर दिन खाना चेंज हो रहा है. दी एंटायर थाली आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा वैरायटी है खाने के लिए. मुझे लगता है 30 जो मैंने नंबर लिया वो भी कम है. देयर सो मच टू ईट. अब इसमें क्या क्या परसा गया है ये मैं ईश्वर जी को बोलूँगी कि एक्सप्लेन करें. तो महाराजा भोग थाली में स्वीट्स में देते हैं आज बासुंदी है और दूधी का हलवा. उसके बाद में स्टार्टिंग में सैलेड रहता है. टुडे वी आर गिविंग सैलेड. बीट रहता ये चटनियाँ हो गई. ये स्टार्टर्स है, वगारेला पात्रा एंड ब्रेड रोल. सैलेड में रायता है, बीट रायता, भिंडी मसाला और मेथी पनीर मलाई, आलू कांदा रस्सा वाला, चटनी वाला कठोल, स्पाइसी दाल, मारवाड़ी कड़ी, गुजराती दाल, गुजराती कड़ी, स्वीट में एप्पल बासुंदी है और दूधी हलवा. उसके बाद में फुलका में मकई रोटला विद गुड़ मक्खन एंड मसाला खोबा रोटी एंड फुलका रोटी, राइस स्टीम राइस और खिचड़ी राजस्थानी मूंग दाल खिचड़ी. सो आइए अब शुरुआत करते हैं खाने के साथ, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है मुझे. तो खाना ख़त्म होने के बाद ये पान आपको दिया जाता है, और अब मैं बस इसको खाऊं. मीठा पान है. सो यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही उम्दा था. सबसे पहले मैंने शुरुआत करी चंदन शरबत, जो आई थिंक सिर्फ महाराजा भोग में ही दिया जाता है. ये मुझे बहुत पसंद आया. और उसके बाद मेरे को यहाँ की खिचड़ी जो स्पेशलिटी है आई थिंक गुजराती फूड की, वो बहुत ही बढ़िया थी. उसमें ऊपर से जो घी डाला गया था उससे तो मतलब स्वाद बहुत ही ऊपर पहुँच गए थे. और उसके बाद मुझे इनका दूधी का हलवा बहुत अच्छा लगा. इनका ये मेथी मलाई मटर भी बहुत ही स्वादिष्ट था. ओवरऑल मैं बोलूँगी सारा खाना बहुत ही ज़्यादा जायकेदार था. और स्पेशली ये जो ब्रेड रोल है ये बहुत ही स्वादिष्ट है. आधा मैं खा चुकी हूँ, आधा बचा हुआ है. और बहुत ही अच्छा खाना था. एंड मैं चाहूँगी आप सब लोगों से कि आप ज़रूर आएँ, इनकी कोई भी ब्रांच के अंदर जाएँ. खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है.